हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड फंक्शंस। क्लास में फ्रेंड फंक्शंस क्या हैं और उनका क्या महत्व है, कैसी स्थिति में हम उनका इस्तेमाल करते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाए। इससे पहले हम क्लास और क्लास के मेंबर फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लास का मेंबर फंक्शन क्लास का ही मेंबर होता है। क्लास के बाहर उसे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्लास के मेंबर में हमने ये भी पढ़ा था कि क्लास मेंबर्स हमारे पास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीन तरह के हो सकते हैं। प्राइवेट को डायरेक्टली बाहर इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोटेक्टेड को भी क्लास के बाहर सीधे सीधे उनके नाम से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ऑब्जेक्ट की हेल्प से। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को हम क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर की मदद लेते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम सब ने पढ़ा था। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमें हमारे मेंबर्स को अलाउ करना पड़ता है, परमिशन देनी पड़ती है कि भाई हमारा खुद का ऑब्जेक्ट या हमारे पब्लिक मेंबर फंक्शंस के अलावा ये और कोई ऐसी जो है पर्सन है, एंटिटीज़ हैं या फंक्शंस हैं जो हमारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब हमें वो परमिशन देनी पड़ी किसी दूसरे फंक्शन को, तो परमिशन देने का तरीका क्या है? फ्रेंड फंक्शन, यानी जिस फंक्शन को हम चाहते हैं कि वो क्लास का मेंबर ना होते हुए भी हमारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को इस्तेमाल करे, उसे हम हमारे क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना देंगे। एक डेली लाइफ का उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं कि हम हमारे घर का लॉक लगा के कहीं जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो तो पीछे से आपका घर खुलवाने की आपको आवश्यकता पड़े, या उसमें कोई बदलाव करना है, या कोई मीटर की रीडिंग लेने आने वाला है, या कोई और विशेष जो है काम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? घर की चाबी अगर घर का सदस्य कोई अवेलेबल नहीं है तो किसी एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी जो विश्वसनीय दोस्त है उसे आप देकर जाएंगे, जिस पर आप अच्छे से विश्वास कर सके। तो वो क्या हुआ, वो दोस्त, उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड। तो ये फंक्शन भी क्या है? इस क्लास का फ्रेंड होगा, इस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को इस्तेमाल कर पाएगा। अब फ्रेंड फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है, प्रोटोटाइप तो हम हमारी क्लास में देते ही देते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो होगी वो क्लास के बाहर होगी। जब आप क्लास में इस बाहर वाले किसी फंक्शन की प्रोटोटाइप दोगे, उसका नाम बताओगे, तो उसके सामने हम यूज़ करते हैं कीवर्ड फ्रेंड, नहीं तो वो बाकी फंक्शन जैसा बन जाएगा। हमें बताना है ना कि ये फंक्शन यहाँ का नहीं है, ये कहीं बाहर का है, लेकिन हम इसे विशेष महत्व देते हैं, ये हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, ये हमारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये कीवर्ड फ्रेंड इसमें आपकी मदद करता है। फ्रेंड फंक्शन जो है वो किसी दूसरी क्लास का फंक्शन भी हो सकता है या एक ग्लोबल फंक्शन भी हो सकता है। कोड लिखा है, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया, फिर हमने यहाँ एक क्लास डिक्लेयर की है जिसका नाम हमने रखा है ए, जिसमें एक प्राइवेट वेरिएबल है, मेंबर है, जिसका नाम है वी ए एल वैल्यू। फिर हमने पब्लिक मेंबर्स डिक्लेयर किए, पहला मेंबर है वॉइड गेट वैल्यू, जो कि क्या करेगा, एंटर वैल्यू वी ए एल, इस वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करवाएगा। फिर हमने एक यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन बनाया है इस क्लास ए का, जिसका नाम है डबलिंग। ये फंक्शन इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। अब ये क्लास की यहाँ जो है डबलिंग फंक्शन की इस क्लास में क्या दी गई है, सिर्फ डेफिनेशन। ये पैरामीटर के तौर पर क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, यानी इसमें पैरामीटर में क्या पास करेंगे हम, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट। अब हमने इसके बाद की हमारी क्लास की डेफिनेशन को क्लोज किया, यहाँ ब्रैकेट बंद, सेमी कॉलन। अब हमने यहाँ हमारे जो वर्ड फंक्शन था डबलिंग, इसकी हमने यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। देखिए, यहाँ हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास का नाम नहीं यूज़ किया, इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है। सिर्फ वहाँ हमने इसकी प्रोटोटाइप दी थी, उसका सिग्नेचर दिया था कि भाई उसको ये बताने के लिए कंपाइलर कि इस क्लास का एक फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम डबलिंग है, जो कि एक ग्लोबल फंक्शन है, किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता, ना ही मेन फंक्शन के अंदर या किसी का लोकल फंक्शन है। ये कैसा है? एक ग्लोबल फंक्शन है। अब देखते हैं इस फंक्शन में ये क्या करता है। यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्ट पास करोगे पैरामीटर के तौर पर, उसकी वी ए एल, देखिए जब इससे पहले हमने जब भी डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया था डॉट ऑपरेटर के बाद, हमने कहीं भी कभी भी प्राइवेट मेंबर्स को नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ हम प्राइवेट मेंबर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्रेंड फंक्शन है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पास हुआ, उसका डाटा मेंबर वैल्यू को एक्सेस किया और उसकी वैल्यू में हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो क्या हुआ, जितनी वैल्यू एंटर की गई थी उसकी डबल कैलकुलेट हो जाएगी, और वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी है डबल ऑफ वैल्यू वीएल। अब इसके बाद हमारा मेन फंक्शन आया, इंट मेन है तो रिटर्न जीरो स्टेटमेंट रहेगी। फिर हमने यहाँ हमारी क्लास ए जो थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा ऑब्जेक्ट वन। सबसे पहले क्या करेगा वो, ऑब्जेक्ट वन गेट वैल्यूज़, वैल्यूज़ इनपुट करवाएगा ना मेम्बर्स को, तो हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट वैल्यूज़। फिर हमने डबलिंग जो हमारा फंक्शन था वैल्यूज़ को डबल करने के लिए जो इस्तेमाल हम कर रहे थे फ्रेंड फंक्शन, उसको कॉल किया और उसमें हमने ये जो हमारा फ्रेंड जो ऑब्जेक्ट था उसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कंट्रोल जाएगा यहाँ और अब देखते हैं क्या होगा, वी एल की वैल्यू डबल हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में बना था कुछ इस तरीके से, जिसमें एक डाटा मेम्बर था वैल्यू जिसको आपने एंटर की थी, क्या वैल्यू क्या दी थी, देंगे हम जो भी वैल्यू दी थी उसकी वैल्यू डबल होकर यहाँ प्रिंट हो जाएगी। यहाँ ये जो स्टेटमेंट है यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट वन डॉट वैल्यू, ऑब्जेक्ट ए डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास हम प्रिंट करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट ए डॉट वैल्यू। तो अब देखिए क्या होगा, कंट्रोल यहाँ हमने यहाँ बताया था यहाँ चला गया है, वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं, तो आउटपुट देखिए कुछ इस तरीके से आएगी, एंटर वैल्यू, आपने वैल्यू डाली 4, यानी ये जो वेरिएबल था ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट 1, इसके वैल्यू को क्या वैल्यू मिल गई है, वी एल वैल्यू वेरिएबल को 4 वैल्यू, वो पास किया आपने किसको, आपके डबलिंग फ्रेंड फंक्शन को, और वो वैल्यू उसने क्या कर दी है 8। तो यहाँ ध्यान देने लायक जो बात वो ये है कि हम प्राइवेट मेंबर्स को डॉट ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ एक्सेस कर पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं इन द केस ऑफ फ्रेंड फंक्शंस। आई होप फ्रेंड फंक्शंस आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। अब इस वीडियो के बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, उसके बाद हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पे पिछले साल के जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो आपके पास लेकर आएंगे ताकि आप आसानी से पूरे के पूरे टॉपिक को सीख जाएं और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। तब तक वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।